मसूरी विधानसभा के विधायक और हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर आदरणीय गणेश जोशी जी, सचिव परिवहन, और लगातार जो परिवहन विभाग को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं श्री अरविंद सिंह हैंकी जी, प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम श्री आनंद श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी, सनत जी, और सभी यहाँ पर आए हुए हमारे परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी परिवहन विभाग के कार्मिक, और आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं ऐसे हमारे चालक, परिचालक, सहायक लेखाकार, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज इस शुभ अवसर पर, मैं कहूँगा शुभ अवसर जो आप सबके जीवन में संघर्ष से, परिश्रम से, साधना से और भगवान की कृपा से, आप सबके माता पिता की आशीर्वाद से, सभी सहयोगियों के, बुजुर्गों के, सबकी सद्भावनाओं से आपको अवसर मिला है, उसकी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैंने कहा कि आज जो मुख्य सेवक सदन में जो पहली बार आए हैं और जो पहले भी आ चुके हैं, उनका भी यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पधारने पर मैं अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही मैं उन 16 बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ जिन्हें परिवहन विभाग द्वारा निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण दिलाने के उपरांत आज लाइसेंस देकर उन्हें एक तरह से स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रेरित किया गया है, अग्रसर किया गया है, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वो आगे बढ़े हैं। और आज जिन चालकों, परिचालकों व सहायक लेखाकारों को, जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत से, लगन से आप सब, आपको जो नया ये दायित्व मिला है, उस दायित्वों के कर्तव्यों का निर्वहन करें, क्योंकि सच्ची लगन और कड़ी मेहनत और ध्येय मानकर, जीवन का ये आपका ध्येय होना चाहिए कि सतत रूप से मुझे सेवा में लगना है। और सतत रूप से आप लगेंगे तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि आपको ऊर्जा भी मिलेगी, आपके अंदर उत्साह भी आएगा, भगवान की भी कृपा होगी, लोगों की दुआएं भी आपको मिलेंगी। और इन सब का कोई विकल्प नहीं होता है, संकल्प जब होता है उसमें विकल्प नहीं होता है। और यह भी आपका संकल्प है कि आपको अपनी सेवा बहुत अच्छे तरीके से करनी है और पहले दिन से। देखिए, कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा अपने अनुभव के आधार पर भी बता रहा हूँ। अब आपको सेवा तो मिल गई, जब तक सेवा नहीं मिलती है तब तक हम सोचते हैं सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए। और सेवा मिलने के बाद थोड़ा सा हम कुछ दिनों तक तो रहते हैं अनुशासन में, नया नया अच्छा काम करना है, करना है, वो करना है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर अपने साथ हम अनुशासन नहीं बरतते हैं। अब इसमें एक काम जरूर है, विभाग की जो औपचारिकताएं हैं, विभाग का जो टाइम टेबल है, अनुशासन है, वो सब पर लागू होता है, लेकिन वो एक तरह से विभाग का टाइम टेबल है। आपको अपना टाइम टेबल अपने पर एप्लीकेबल करना है, अपना स्व अनुशासन बनाना है, मन से, मस्तिष्क से, विचार से, आत्मा से, हर तरीके से, काम से। जब आप ये मान लेंगे कि नहीं, मुझे तो ये काम करना है, मेरा तो ये जो काम मुझे मिला है, ये काम मुझे भगवान की कृपा से मिला है और भगवान ने मेरे को इस काम के लिए ही सिलेक्ट किया हुआ था, मुझे लोगों की सेवा के लिए ही बनाया है, मुझे ये अच्छा काम करने के लिए ही बनाया है, ये जब आपके मन में ये विचार बस जाएगा ना, तो अगर आप बसा लेंगे, आज से इसका अभ्यास करेंगे तो टाइम लगेगा बसते बसते। ऐसा नहीं है कि अभी आपने विचार लिया है और अभी से आप में परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन तब होगा जब आप इसको जीने लगेंगे।
और जीने लगेंगे तो फिर आपको दिन भर अगर 5 बजे की जगह 8 बजे और 10 बजे तक भी काम करना पड़ेगा। चालक परिचालक में तो क्योंकि कोई टाइम टेबल इस प्रकार का होता नहीं, कई बार आगे भी होता है पीछे भी होता है, लेकिन वो भी अपने उसमें मस्तिष्क में विचार बना लेंगे कि नहीं अब तो काम करना है, तो न थकान लगेगी न ये लगेगा कि मैं अधिक काम कर रहा हूं, आपको लगेगा ये तो मेरा काम है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए मैं इसलिए आज आपसे ये बात कह रहा हूं कि आज ये पत्र मिले हैं और आपको जल्दी सेवा में जाना है। हम सब देखिए सूर्य भगवान जब आते हैं, सूर्योदय होता है, तब हमारे सारे काम शुरू होते हैं। मंदिरों में घंटे बजने लगते हैं, गाड़ियां चलने लगती हैं, कारखाने, उद्योग, पूजा पाठ, दिनचर्या, सब काम सूर्य के आने से होते हैं। और जब शाम को सूर्यास्त हो जाता है तो फिर अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा हो जाता है तो कई बार अंधेरे में कुछ उपद्रवी भी आ जाते हैं, गुंडे भी आ जाते हैं, बदमाश भी आ जाते हैं, घंटे भी बंद हो जाते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं, काम भी कम हो जाते हैं, सड़कें भी सुनसान हो जाती हैं। अब सूर्य के आने से सब काम शुरू होते हैं और सूर्य के जाने से सब बंद हो जाते हैं, लेकिन सूर्य कभी ये नहीं सोचता है कि मेरे आने से दुनिया चल रही है और मेरे जाने से ये पहिया रुक जा रहा है या धीमा पड़ जा रहा है। उसने तो अपने अपनी एक नियति बनाई हुई है कि मुझे अपने टाइम से आना है और मुझे अपने टाइम से चले जाना है। अब इससे किसी को कोई फर्क पड़े, किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है, लेकिन क्या करूं, मैंने अपने जीवन का नियम बनाया है। तो हम लोगों को भी पहले दिन से अपने जीवन का नियम बनाना है, बनाएंगे ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि परिवहन सेवा को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए जो हमारे चालक हैं, परिचालक हैं, लेखाकार हैं, सभी का दायित्व तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग दिन रात जो यात्री हैं उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और मुझे बताया गया पिछले दिनों की जो हमारा निगम है वो काफी वित्तीय संकट से जूझ रहा था, और उसके चलते हम लोगों को कई बार जो वेतन देने के लिए भी उसका बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। राज्य सरकार की तरफ से अलग से हमको व्यवस्था करनी पड़ती थी, मंत्रिमंडल में हम जाकर जो है उसकी व्यवस्था करते थे। और इसके साथ ही जो हमारे रिटायरमेंट के लोग हैं उनको भी जो उनका भुगतान है कई वर्षों से ऐसे लंबित पड़ा हुआ था, और पिछले वर्ष से जो परिवहन निगम के कर्मचारियों ने निगम के प्रबंधन के प्रयासों को अच्छे कामों से, मेहनत से, परिणाम से, अच्छे प्रबंधन से उससे उभारा है। पिछले साल 29 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और इस वर्ष लगभग 36 करोड़ के मुनाफे की जो है पूरी हमको उम्मीद है। और इसी का परिणाम है कि देखिए इतने लंबे समय से, अभी आदरणीय गणेश जोशी जी कह रहे थे कि हमारे जो आश्रित हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था, मृतिक आश्रितों का लाभ नहीं मिल पा रहा था, और हम लोगों को भी बड़ा कष्ट होता था, खास तौर से जब मैं टनकपुर जाता था तो बार बार मुझे सब मिल जाते थे और मन में बड़ी दुविधा होती थी। एक दिन हैंकी जी भी थे वहां पर, मैंने कहा हैंकी जी इनको अब होना ही चाहिए, और हम लोगों ने तय किया कि इनको लाभ दिया जाएगा, इनको आश्रितों को समायोजित किया जाएगा, उनको सेवा में रखा जाएगा। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे सहयोगियों का भी सबका, और मैं कह सकता हूँ कि दिवंगत कर्मचारियों को, परिजनों को इस बीच में कितने अधिक वित्तीय संकट का भी उनको सामना करना पड़ा होगा। यह मामला मेरे संज्ञान में भी आने पर मैंने सभी सोचा कि इसका समाधान करेंगे और हमारे मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी। ये दिखाता है कि किस तरह जो हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो संकल्प लेती है, यानी कि जो काम भी हम सोचते हैं
उसमें फिर विकल्प को नहीं आने देते हैं, उसको पूरा करके दम लेते हैं। भाइयों बहनों, मैंने जब मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया तब से आप सभी ने महसूस किया होगा कि जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो उसमें बहुत व्यापक बदलाव हुआ है। कैलेंडर चाहे लोक सेवा आयोग का हो चाहे UK SSSC का हो, दोनों में तेजी से भर्तियां हुई हैं। और इन 2 सालों में 2.5 सालों में हम देखेंगे तो पिछले कई सालों में जितनी भर्तियां नहीं हो पाई वो भर्तियां इन 2-2.5 सालों में हुई, एक रिकॉर्ड हुआ है। और भर्ती प्रक्रिया में भी जिस पारदर्शिता और रफ्तार को देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रियाएं हो रही हैं, साफ सुथरी नियुक्तियां हो रही हैं, वो सरकार के हर काम में अब दिख रहा है। भाइयों बहनों, पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति वो कहीं ना कहीं हमारा जो युवा वर्ग है, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको उन पर कहीं ना कहीं सरकार का भरोसा जगाता है और विश्वास दिलाता है कि सरकार सही तरीके से काम कर रही है। और ये पारदर्शिता बेहतर तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं प्रतियोगिताओं में आने के लिए प्रेरित करती हैं, उनके मनोबल को बढ़ाती हैं। इसके लिए हम निरंतर हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। आप सभी को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से नियुक्ति मिली है क्योंकि हमारी सरकार सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए संकल्पबद्ध है। हमने संकल्प लिया है कि अब परीक्षाओं में कोई नकल नहीं होगी, किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी। जो जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उनको निश्चित रूप से चयन का अवसर मिलेगा। आप सभी जानते हैं पहले के समय में भर्ती प्रक्रियाओं पर जो लगाए गए कलंक हैं उसको मिटाने के लिए हमने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जल्दी भारत की सरकार भी संसद में, आपने माननीय राष्ट्रपति जी का पहले दिन का भाषण सुना होगा, उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि देश में ये कानून लागू होगा। और हमारे यहाँ के भी बहुत सारे प्रावधान वहाँ मंगवाए गए हैं। हमने नकल विरोधी कानून में इतने कड़े प्रावधान किए हैं कि आप कोई भी नकल माफिया हमारे भाइयों से, बहनों से, हमारे प्रतिभागियों से अब किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसमें हमने आजीवन जो कारावास है उस तक का भी प्रावधान किया है। सभी जो परीक्षाएं हैं वो अब पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही हैं। और इसका नतीजा है कि इस वर्ष अभी तक हम 6,000 से भी अधिक जो चयन हुए अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको अभी यहीं पर जहां आप लोग बैठे हैं उसका गवाह यही मुख्य सेवक सदन बना है। लगातार यहां पर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं, नर्सिंग अधिकारियों को, अन्य विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को यहाँ नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम हर वर्ग के कल्याण के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं और हमारी प्राथमिकता है। मुझे आशा है कि आप सभी जो नियुक्ति पत्र आपको मिले हैं, काम मिला है, अपने अथक प्रयासों से आने वाले समय में जो हमारा परिवहन निगम में परिवहन विभाग है उसकी छवि को और बेहतर करने का काम करेंगे, अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि हमारे राज्य में जो परिवहन सेवाएं हैं, परिवहन विभाग है, उसका बहुत बड़ा रोल है आने वाले समय में। और हमारे यहाँ पर इसकी आवश्यकता बढ़ने वाली है, ज़रूरत पड़ने वाली है। और हम जो हमारे बस अड्डे हैं, हमारी सड़कें हैं, हमारे पार्किंग हैं, उन सभी को उसी के अनुरूप हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार की हमको ज़रूरत होगी। आप देख रहे हैं आज पर्यटकों का जिस प्रकार से राज्य के अंदर आना हो रहा है, श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का चार धाम यात्रा में, आने वाले समय में मानस खंड यात्रा में, तमाम दूरस्थ क्षेत्रों में हमारी यात्राएं चलने वाली हैं, उसमें आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।
क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड का एक अलग स्थान बनता जा रहा है। लोग उत्तराखंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षण बढ़ा है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में हमने अभी 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के हमारे साथ निवेशकों ने करार किए हैं। हर एक क्षेत्र में उत्तराखंड एक उपलब्धि हासिल कर रहा है और हमने संकल्प लिया है कि हम देश के जो अग्रणी राज्य हैं उन राज्यों में हमारा स्थान होना चाहिए। हम एक आदर्श राज्य के रूप में जाने जाने चाहिए। हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य में हमारी गिनती हो। तो ये संकल्प अकेले मेरा नहीं है, ये संकल्प उत्तराखंड के हर एक भाई बहन का है, हर एक जनगण मन का है, उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति का है और 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों का संकल्प है। ये हम सब की सामूहिक यात्रा है। इस सामूहिक यात्रा को हमने गंतव्य तक पहुंचाना है। गंतव्य जानते हैं ना सब, जहां पहुंचना है। और हमारा गंतव्य है हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, अग्रणी राज्यों में शामिल हों। उस यात्रा के आप सब सह यात्री हैं, हम सब सह यात्री हैं। अब मेरे हाथ में एक ध्वज है जो आप लोगों ने ही मुझे दिया है, जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मुझे दिया है। तो उस ध्वज के नाते मैं आगे हूं, इसलिए मैं संकल्प ले रहा हूं। तो ये संकल्प मेरा अकेले का नहीं है, या गणेश जोशी जी का संकल्प नहीं है अकेले का, हैंकी जी का भी नहीं है कि परिवहन विभाग के सचिव हैं। ये संकल्प हमारा सामूहिक है और हम सामूहिकता से जब आगे बढ़ेंगे, कदम से कदम मिलाएंगे, कंधों से कंधे मिलाएंगे, विचार से विचार मिलाएंगे और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, तो परमात्मा की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, प्रकृति का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद है, भगवानों की भी कृपा है, सब प्रकार से हमारे लिए स्थितियां अनुकूल हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार नहीं अनेक बार ही कहा है कि ये 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे होगा। तो इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाना है हमने। प्रधानमंत्री जी के शब्द जहां हमको प्रेरणा देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, वहीं हमारे अंदर एक कर्तव्य के बोध को भी जो है कहीं ना कहीं जगाने का काम करते हैं कि हम भी कुछ ना कुछ योगदान करें कि ये दशक उत्तराखंड का दशक हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इस जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है इसको सिद्ध करने में अपना योगदान देंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।